क्या आप भी बिना किसी वजह से फोन हमेशा हाथ में उठा लेते हैं? क्या आप भी मोबाइल उठाकर रील्स या वीडियो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं? और क्या आपको भी बिना काम फोन हाथ में लेने की आदत है? अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो मतलब आपको भी स्क्रॉलिंग एडिक्शन है। अब समझिए स्क्रॉलिंग एडिक्शन आखिर होता क्या है? इसका मतलब है मोबाइल की स्क्रीन को अपनी उंगलियों से ऊपर नीचे करते रहना। अक्सर ये काम रील्स देखने या शॉर्ट्स देखने के दौरान किया जाता है। कुछ वक्त के बाद इसकी ऐसी लत पड़ जाती है कि घंटों रील्स देखते निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। ये एडिक्शन इसलिए है क्योंकि इसकी लत इतनी बुरी है कि सोने से पहले, खाने के साथ या कहीं ट्रैवल करते समय हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी फोन की स्क्रीन को ऊपर नीचे करने पर होता है। इसको ऐसे समझिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप ऑफिस पहुंचकर अभी सेटल हुए हैं और आपके किसी दोस्त ने आपको इंस्टाग्राम पर किसी सेलिब्रिटी की कोई मजेदार सी वीडियो भेज दी। आपको लगेगा कि ये वीडियो तो 2-3 मिनट ही लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप उस वीडियो के खत्म होते ही एक के बाद एक दूसरे वीडियो पर चले जाते हैं, वो दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और पता ही नहीं चलता कि महज 3 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाते हैं। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं, ये अपने यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने पास रोक सकता है। एंड एज अ रिजल्ट वी गेट स्टक इन दीज नेवर एंडिंग फीड्स। एक स्टडी में सामने आया है कि 77% ऑफ द एम्प्लॉइज काम के बीच में सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 21% ऐसे हैं जो एक ही तरह के वीडियो को बार-बार स्क्रॉल करते रहते हैं। दुनिया की 56.8% आबादी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, यानी कि दुनिया भर में अनुमानित 210 मिलियन लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट की लत से पीड़ित हैं। 18 से 22 साल की उम्र वाले 40% बच्चे स्क्रॉलिंग एडिक्शन के शिकार हैं। इन बच्चों का दिन भर में ऑन एन एवरेज 7 घंटे 22 मिनट का स्क्रीन टाइम है। वहीं 8 से 12 साल के बच्चों का ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम 4 घंटे 44 मिनट का है। एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले 13 से 17 साल की उम्र वाले 70% बच्चे खुद को एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं। 43% ने बहुत कम लाइक मिलने के कारण सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए। 43% बच्चों को अपने बारे में बुरा लगा अगर किसी ने उनकी पोस्ट को लाइक नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया। वहीं 35% ने साइबर बुलिंग का अनुभव होने की भी सूचना दी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया आपके बच्चों पर क्या असर डाल रहा है। डेटा से पता चलता है कि आखिर वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको लोग सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है यूट्यूब और फेसबुक, उसके बाद ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। डॉक्टर्स ने इस आदत को एक नई बीमारी मानकर उसे मास साइकोजेनिक इलनेस यानी कि MPI का नाम दिया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक ताजा स्टडी के मुताबिक बहुत ज्यादा रील्स देखने वाले लोगों में MPI के लक्षण साफ नजर आते हैं। इस तरह के लोग अक्सर बातचीत के दौरान अपनी टांगे हिलाते रहते हैं। आज की डेट में बच्चे, बूढ़े सभी इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये समय तो नष्ट करता ही है, साथ ही इसका सीधा असर हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर ही नेगेटिव रूप में पड़ता है। अब जानिए स्क्रॉलिंग एडिक्शन की पहचान कैसे की जाए। क्या आप मात्र बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप सिर्फ कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके फोन में कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है? और क्या आप अपने परिवार के साथ बिना स्क्रीन के काफी समय बिता रहे हैं? अगर ये सब कुछ है तो इसका मतलब है आप स्क्रॉलिंग एडिक्शन से बचे हुए हैं। लेकिन अगर आपका फोन इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जैसे ऐप से भरा पड़ा है, आपके परिवार के साथ बैठकर खाना खाने के लिए भी समय निकालना एक काम लगता है, आपके हाथ अपने आप फोन की स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। फोन से दूर रहने पर आपको बेचैनी और उलझन सी महसूस होती है और आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है। अपने पास के लोगों से आप कम जुड़े हैं और दूर बैठे सोशल मीडिया के लोगों से आप अधिक जुड़े हैं। और फोन इस्तेमाल ना करने पर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि ऐसा लगता है कि कहीं आप कुछ मिस ना कर दें, ट्रेंडिंग बातें जानने में दूसरों से पीछे ना रह जाए, तो संभव है कि आपको स्क्रॉलिंग एडिक्शन है। सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है उसमें अपडेटेड रहने के लिए आजकल की यंग जनरेशन दिन भर के काम निपटाने के बाद रात में सोने से पहले ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते हैं। लेकिन ये स्क्रॉलिंग कुछ मिनटों के बजाय कई घंटों तक चलने लगती है। इससे नींद तो प्रभावित होती है और वो दूसरी बीमारियों का भी शिकार बन जाते हैं। रात में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहने की आदत रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन कहलाता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि रात में स्क्रॉलिंग करने और देर से सोने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड समस्याएं, बढ़ता वजन
और डिप्रेशन की समस्याएं भी शुरू हो जाती है। इससे आप ओवरथिंकिंग करते हैं, आपका फोकस कम हो जाता है, साथ ही दूसरों से तुलना कर आप अपने जीवन से दुखी होते हैं। लगातार फोन पकड़ते रहने से आपकी गर्दन और उंगलियों में दर्द रहता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको अपना स्क्रीन टाइम घटाना बेहद जरूरी है। रील्स देखने की बीमारी से आप कुछ ऐसे बच सकते हैं। रील्स देखने से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आप रोजाना सैर और योगासन की आदत डालें। मोबाइल गेम के बजाय आउटडोर गेम खेलना शुरू करें। खाना खाते हुए फोन स्क्रॉल ना करें। अपने मित्रों से सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि आमने सामने मिले। कोई नया शौक या हॉबी शुरू करने पर विचार करें। गैर जरूरी ऐप्स को एक्टिवेट ना करें। सोशल मीडिया पर कम से कम एक्टिव रहने की कोशिश करें। अपने ऐप की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले फोन से कम 1 घंटे का गैप रखें। इस लत को खत्म करना और टास्क को मैनेज करना एकदम से तो नहीं हो पाएगा। ये चीजें समय और धैर्य दोनों मांगती हैं। युवा लोगों के लिए सोशल मीडिया की लत से उत्पन्न होने वाले सबसे गंभीर खतरों में से एक है खुद को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के विचार आने। सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध से पता चलता है कि 5 घंटे से अधिक समय तक सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले 10 में से 7 यंगस्टर्स में आत्महत्या करने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। सोशल मीडिया का जाल ऐसा फैला हुआ है कि अगर आप अभी भी नहीं संभले तो फिर ये आपको ले डूबेगा। ऐसे में जितना हो सके इससे दूरी बनाए रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रहें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।